लिए आप सबक की सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट कदम वारिस और मैं लेकर आई हूँ प्रोग्राम हम हैं मसीही खिलाड़ी। मैं नाम स्नेहा और मैं मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं नेशनल साइकिलिस्ट हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करती हूँ। मैं इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ। साउथ एशियन गेम्स में मैंने 2016 में पार्टिसिपेट किया था और इसके साथ साथ अभी जो है मेरा क्लब पाकिस्तान के नाम से एक क्लब है वीमेंस का। मेरा नाम मुस्कान है और मैं भी मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एफ्रीकन हूँ। मेरा नाम गरीश है और मैं भी मसीही फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मसीह में आप सबक की सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट अनम वारिस और मैं लेकर आई हूं प्रोग्राम हम हैं मसीही खिलाड़ी। इस प्रोग्राम में हम मिलेंगे पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर से और उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह वो स्पोर्ट्स के मैदान में मसीह की गवाही दे रही हैं। आए हम उनसे मिलते हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहना चाहती हूँ। वेलकम, आप आए। थैंक यू सो मच अनम आपके इनविटेशन के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल न्यूज़ के जिन्होंने हमें और हमारी टीम को वेलकम किया और यहाँ पे और बहुत अच्छा हमें यहाँ पे बात करने का मौका मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ जो है हमारी टीम है जो साइकिलिंग की है जिन्होंने नेशनल्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया और मेडल्स के साथ जो है वो अपनी कारकर्दगी को जो है बेहतर करके वो इस स्टेज पे यहाँ पे खड़ी हुई है और आपके सामने है, तो ये अपना साथ साथ तारुफ करवाती जाएंगी बच्ची। मेरा नाम स्नेहा है और मैं मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं नेशनल साइकिलिस्ट हूँ और मैं बीकॉम में स्टडी करती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मैं भी मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एफ़ए कर रही हूँ। मेरा नाम गरीश है और मैं भी मसीही फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मैं इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ। साउथ एशियन गेम्स में मैंने 2016 में पार्टिसिपेट किया था और इसके साथ साथ अभी जो है मेरा क्लब पाकिस्तान के नाम से एक क्लब है वीमेंस का जिसमें सिर्फ गर्ल्स हमारे 35 गर्ल्स जो हैं वो ट्रेनिंग करती हैं। आपकी दुआओं से और खुदावंद की मर्ज़ी से हम इंटरनेशनल भी अपकमिंग ईयर्स में हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपका क्लब है और आप लड़कियों को ट्रेन करती हैं, तो मतलब फैमिलीज़ भी काफ़ी होती हैं जो अपनी बेटियों को इस तरह से ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे हम कम्युनिटी में देखते हैं इतना इजी नहीं है कि लड़कियां बाहर जाकर ट्रेनिंग करें, तो आप लड़कियों को देखते हैं उनकी मतलब ट्रेनिंग्स में और हर लिहाज से आप उनकी केयर करते हैं, तो मुश्किल भी होता होगा ये। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान कम्युनिटी में क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो शेम कल्चर है, तो ये बहुत बुरा मनाया जाता है कि कोई लड़की जो है साइकिल्स पे हो। और इवन के किट जो होती है हमारी वो बहुत डिफरेंट होती है, स्किनी होती है, तो वो देखने वाले भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न होगा कि जो हमारा क्लब है उसमें मेल कोच नहीं है, तो फीमेल कोच होने की वजह से पेरेंट्स जो है वो अलाउ करते हैं और ट्रस्ट करते हैं कि हम उनकी केयर करते हैं। और इस तरह हम कई डिफरेंट सिटीज़ में भी जा रहे हैं और कहीं बाहर के भी हमारे कराची में हुए हैं इवेंट्स और इस्लामाबाद में हम जाते हैं, तो कभी भी उन्होंने नहीं रोका कि आप नहीं जाएंगे, या हमारी बेटियां हैं जो 5 दिन के ये इवेंट्स चल रहे होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आप गो हैड आप जाएँ। तो ये बड़ा अच्छा है कि पेरेंट्स जो है अभी अवेयरनेस आ रही है उनमें और वो अपनी बेटियों को भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का वो मौका देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक क्लब है जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं उनके पास एक प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी बेटियों को भेजें क्योंकि उनके लिए भी सेफ है। तो जरीश और मुस्कान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कब से साइकिलिंग कर रहे हैं? मुझे 1 ईयर्स हो गया कि मैं साइकिलिंग कर रही हूँ। तो ये साइकिलिंग जो है मैंने कॉलेज से स्टार्ट की थी। कॉलेज में पहले तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी लेकिन कभी भी नेशनल लेवल पे हम लोगों को खेलने का मौका नहीं था मिला। वहाँ मैं स्नेहा से मिली कि जो एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट थी, उसे कॉलेज में बहुत अप्रिशिएट किया जाता था और जब मैं इससे मिली तो इसके थ्रू फिर मैंने भी ये क्लब ज्वाइन किया लव ऑफ पाकिस्तान, और आज खुदावन के फजल से मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया और
सिल्वर, एक मैंने सिल्वर लिया और दो मैंने ब्रॉन्ज मेडल. मुझे साइकिलिंग करते हुए 2 साल हुए हैं और इस साल मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया था और मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विन किया. तो जब आपने विन किया और आप घर गए तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था? वो बहुत सरप्राइज हुए कि ये क्योंकि मैं मुझे सिर्फ अभी 2 साल हुए थे और पहले और ये मेरा फर्स्ट नेशनल था तो इसलिए जो मेरे पेरेंट्स थे वो भी खुश हुए और बहन भाई भी जो थे, जो मेरे सिस्टर हैं, मेरे बड़े बहन भाई हैं, वो भी बहुत खुश हुए थे. वेरी गुड. और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी बहुत किया. तो आपने बताया कि ये आपकी पहली नेशनल थी जिसमें आपने ये विन किया जी. तो यहाँ पर कितनी टीमें थी जिनमें आप लीड में थे? क्योंकि ये हिस्ट्री में जो मैंने देखा, क्योंकि वहाँ पे मैं भी मौजूद थी, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा था कि क्रिश्चियन जो टीम है, जो लड़कियों की टीम है, वो लीड में थी. मतलब पहली पोजीशंस में वो आ रही थी जो 3 पोजीशंस होती हैं. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और इसमें जो जैसा आपने पूछा कि कितने किस किस सूबे ने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें 5 सूबे थे और 4 जो थे वो डिपार्टमेंट और 1 क्लब था. स्नेहा, आपने विन किया और वहाँ पर आपने गोल्ड मेडल लिया और ये हिस्ट्री में फर्स्ट है कि आप एक क्रिश्चियन बच्ची जो है वो इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आई है और उसने वो नेशनल चैम्पियनशिप में उसने रिकॉर्ड बनाया है और आपका नाम भी जो है वो इंटरनेशनल तौर पर नॉमिनेट हुआ है. तो आपको कैसा लगता है और आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? वो सपोर्ट करते हैं आपको? बेसिकली मेरी लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी इसमें मेरी और मेरी कोच की. लास्ट ईयर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं थे कर पाए और इस ईयर 1 ईयर हमने वेट करने के बाद मेरी कोच ने मेरे पे बहुत इन्वेस्ट किया तो 1 ईयर के बाद हमें ये चांस मिला था कि ये हम ट्रॉफी हासिल कर सकें. शायद मैं इसको मेंशन करना चाहूँगी एक बात और. पिछले साल जो था बहुत ज़्यादा ना टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी और क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे लिए वो मेरा लास्ट टाइम था बिल्कुल, तो मैं ना ट्रायल्स पे जा नहीं सकी थी. तो ट्रायल्स में ये ट्रायल्स ना कुछ उन्होंने साइकिल्स का किया कुछ किया और ये ना ट्रायल्स भी ना कर सकी लास्ट नेशनल्स पे. तो इसने मुझे आके बताया कि मिस मैं ट्रायल्स नहीं जीत सकी. मैं कहा ये पॉसिबल नहीं है. फिर मैं उसी टाइम पे मैं ट्रैक पे पहुंची, मैंने साइकिल ली, वो साइकिल को कुछ किया हुआ था उन्होंने. फिर हम वेट किया 1 साल हमने, मैं और स्नेहा ने, मेरा 1.25 महीना हुआ उसके बाद. फिर मैं कम बैक किया, फिर मैंने इसको ट्रेनिंग करवाई और फिर जब हमारा ट्रायल्स थे उस दौरान मैंने प्रॉपर टाइम इसको दिया ट्रायल्स पे रही. तो मेरे ख्याल से हमें ना एक्टिव भी होना होता है जब हम कामयाब भी हम ट्रेनिंग भी करते हैं थोड़ा सा, और हमें एक्टिव माइंड रखना है यहाँ पे कि हमने बहुत ज़्यादा हर जगह पे सेव रहे अपनी साइकिल्स को अपने पास रखा है कि कोई टच ना करे. ट्रायल्स पे टाइम नोट किया है हर चीज़ के, टाइम में कोई मसला ना कोई करे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती है लेकिन आपने और इसका नतीजा ये हुआ कि जब ये फर्स्ट अनाउंस हुआ था मेरे ख्याल से 2016 के बाद, मेरे बाद ये चैंपियन वहाँ पे डिक्लेयर हुई है फर्स्ट. मतलब मैं 2016 के बाद कोई अभी प्लेयर क्रिश्चियन प्लेयर नहीं है डिपार्टमेंट में या कोई भी इस तरह से जो फेडरेशंस में अभी तक नहीं हुई है, और मेरे बाद जो है इस बच्ची का नाम नॉमिनेट हुआ है इसके लिए. खुशी की बात है कि इस तरह से एक क्रिश्चियन क्लब है जो लड़कियों को प्रमोट कर रहा है. तो जबकि इतनी अचीवमेंट्स हैं, मेडल्स हैं, ट्रॉफीज, तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल भी है, मेहनत है. तो फिर आपकी ट्रेनिंग के क्या शेड्यूल होते हैं क्योंकि अब तो सर्दी भी है, काफी मुश्किल होता है. ये आप खांसी चेक कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो हमारे मीटर पे आ रहा होता है तो 4, 5, 6 इस तरह से ये टेम्परेचर चल रहा होता है सर्दी का. तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ ये होता है कि इवन कि हम यहाँ पे अपनी जो हमने वेयर की होती है वर्दी वेयर की होती है उसके नीचे हमें अखबार रखना पड़ता है ताकि जो डायरेक्ट हवा है वो ना हमें पर. लेकिन फिर भी फ्लू और जो खांसी गला क्योंकि साइकिलिंग है ऑब्वियसली वो सांस जो लेना है हमने नोज से लेना है, तो इस वजह से फिर हम इफेक्ट भी हो रहे हैं. और कुछ रोड के एक्सपीरियंस हमारी कुछ बच्चियां बता सकती हैं उसके अंदर के कैसे वो हमें मुश्किलात आती है इसमें, लेकिन फिर भी हम मुकाबला करते हैं क्योंकि हमने
पहली तीन पोजीशंस में रहना है, क्योंकि हमने एक लेवल सेट कर दिया हुआ है, तो हमें अपने वो जो खुदावंद ने हमें फतह या भी दी है तो हम उसको नीचे नहीं लेकर आना चाह रहे हैं। तो आपकी ट्रेनिंग की रूटीन क्या है, कब कब ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि 35 गर्ल्स को लेकर चलना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे मैनेज होता है? ये दरअसल दो टाइम में हम शिफ्ट किया होता है। मॉर्निंग के जो होते हैं रोड पे हम ट्रेनिंग करते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा होता है और 3 घंटे 4 घंटे हमें वापसी हो जाती है घर पे आने। हम ठोकर से जाते हैं, ठोकर से रिटर्न होता है हमारा, फिर हम अपने घरों में, और इवन सारी लड़कियां कुछ जहानाबाद से हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हैं, इवन के कुछ लड़की जो स्टेशन वाली साइड है उस तरफ से भी आती हैं, तो सारे ठोकर पे इकट्ठे होते हैं फिर हम जाते हैं। और कुछ लड़कियां जो हैं जो रोड पे अच्छे से नहीं साइकिल चला सकती, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, तो उन लड़कियों को फिर हम ट्रेन करते हैं इवनिंग में ट्रैक के अंदर। वेलोड्रोम होता है साइकिलिंग का, और वहाँ पे वो फिर ट्रैक की साइकिल चलाते हैं। और इवन मैं आपको बताते चलूँ कि ट्रैक की जो साइकिल है उसकी ब्रेक नहीं होती है। तो दो किस्म की कैटेगरीज हैं, और स्नेहा ने ट्रैक के चैम्पियनशिप को विन किया था। तो ये जो मुश्किल लम्हा होता है ब्रेक में, तो कई दफ़ा तो ये लड़कियां हमारी साइकिलों के अंदर ही जाके और रोकती हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा जैसे, और अभी तो खुदावंद का शुक्र है ये लड़कियां चैम्पियंस आगे होंगी और हैं भी अभी। तो रोड पे तो ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लोग आपको हुटिंग भी कर रहे होते हैं, तो तब कैसा रिएक्शन होता है, कैसा फील होता है? मुस्कान बताए जी, मुस्कान ये रिएक्शन होता है कि इन्हें इग्नोर करो और अपनी मंजिल तक जाओ बस। कुछ लोग हमें करते हैं बकअप, कुछ लोग हमें मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग होते हैं मतलब जो हमारी शायद साइकिल की वजह से या वैसे ही कर देते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करके जो हमें अप्रिशिएट करते हैं उसको मोटिवेशन लेकर हम चलते हैं। और मुझे याद है एक बार हम ट्रेनिंग कर रहे थे रोड पे, एक लड़का था, तो वो लड़का ना हमें देखता, हमारी साइकिलों को देखते देखते ना वो रोड के एक साइड पे खुद ही जाके गिर गया। तो वो कभी कभी इतना वो अट्रैक्शन, क्योंकि साइकिल हमारी बहुत डिफरेंट होती है, तो वो उनको देखता देखते वो कभी कभी हमारी साइकिलों के दरमियान आके वो ब्रेक लगा के, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहे हैं रोड पे, हम बिल्कुल साइड पे जा रहे होते हैं समटाइम। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 10-12 साल हो गए मैं साइकिलिंग के इस इवेंट को इंजॉय भी करती हूँ और रोड पे भी राइड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो यंग हमारी जनरेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, बकअप करती है, साइन करके जाती है। और शायद मुझे लग पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मतलब मैं कॉलेज लेवल पे थी, तो मुझे डर, क्योंकि मैं अंदरून शहर से हूँ, तो मुझे लगता था कि शायद मैं साइकिल्स पे जाऊँगी। ये 2012 की बात है या 11, इस तरह से शुरू हुआ था, 10-12 की बात है। तो मुझे लगता था कि शायद लड़के ना होता है ना धक्का दे देंगे, और डर था दिल के अंदर। लेकिन मुझे लगता है जब हम दुआ करके जाते हैं रोड पे, तो हमारे ना खुदावंद कवच बना देता है हम, तो वो कवच को ना कोई बैड जो इवल्स आइज होती हैं या दूसरी चीजें होती हैं वो टच नहीं कर सकती हैं उनको। तो मुझे लगता है कि वो हमें सेव करता है खुदावंद रोड पे, और पाकिस्तान रोड का तो आपको पता है। तो जैसे कि आपकी टीम में यंग लड़कियां हैं, तो आप देखने वाले नाजरीन को जो बहनें घरों में बैठी हैं, जो समझती हैं कि शायद वो कुछ नहीं कर सकती और उन्होंने अपने आप को सिर्फ घर की हद रखा हुआ है, वो ज़्यादा बाहर नहीं आती या स्पोर्ट्स फील्ड नहीं पसंद, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा जो है उनको ये मैसेज है कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और ये जो बच्चियाँ हैं ये प्लेयर नहीं बनी है, इनको बनाया गया है और इनको हमने घर से निकाला है। ये स्कूल की बच्चियां हैं, कॉलेज की बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं, और इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। स्पोर्ट्स बेस पे जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन्स फ्री होते हैं, जो हमें पता नहीं है, तो हम अपने आप को अपने अंदर वो स्किल्स को उजागर कर सकते हैं प्रैक्टिस के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए हम उनको अवेयर कर सकते हैं कि हाँ ये हम अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटियों को एक बोझ समझा जाता है, लेकिन अगर आप अपना एजुकेशन हासिल करना चाहते हो, क्योंकि एजुकेशन आपको आगे लेके जाती है,
तो स्पोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स सीख के आप एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं और बिल्कुल फ्री आप उसको हासिल कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग और अपने माँ बाप का बोझ भी कम कर सकते हैं और अपने आप को भी एक स्टार की तरह, जो कि हम मसीह स्टार्स वैसे ही हैं, तो एक खिलाड़ी की तरह भी कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन है कि हम अपने करदार से अपने मसीह की गवाही दे सकते हैं। तो ये जो मसीह की गवाही देना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर डिफरेंट्स, तो हम कम्युनिटी में और माशरे में बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है माशरे पे। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स का। यकीनन नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा बयान किया कि क्योंकि क्रिश्चियंस को कहा जाता है कि हमारे पास जब उनसे पूछा जाए कि आप स्टडी नहीं कर रहे, तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो स्पोर्ट्स एक बेस्ट टूल है जिसके ज़रिए से आप खुद को एक तो फिट रख सकते हैं और दूसरा आप अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं। और फिर आपके पास ये मतलब जवाब नहीं होगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जिस तरह से मिस रोमना जो है वो एक क्लब को रन कर रही हैं और लड़कियों को वो प्रमोट कर रही हैं ताकि वो एजुकेशन हासिल करें स्पोर्ट्स बेस पे, और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, मसीही कौम का नाम रोशन कर रही हैं। और इन्होंने किस तरह से ये ट्रॉफीज़ को भी जीता है स्नेहा ने, तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मिस जैसे बता रही थी कि हाँ हमें इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। मिस ना पहले मेरी नेबर थी, 2 साल पहले तो मिस मेरी नेबर थी, तो मैं इन्हें आना जाना इनका साइकिल पर होता था ज़्यादातर ना। तो मैंने मैट्रिक क्लियर हुई तो मेरे बाबा फाइनेंशियली इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं आगे कॉलेज लेवल पर जाना चाहती थी तो लेकिन नहीं था हो पा रहा। तो मैंने बेसिकली ड्यूटी भी स्टार्ट कर दी हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने ना एक मिस के नेबर्स थे साथ ही, उन्होंने बताया कि मिस ना साइकिलिंग में ना बच्चियों को एडमिशन दिलवा रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा हम भी जाके मिस से बात करते हैं। मिस से जब हमने पूछा तो मिस ने हमें स्पोर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी बताए और उसके आगे बढ़ने के तरीके भी हमें बताए। तो मिस ने बताया कि हम स्पोर्ट्स पे तो स्टडी भी कर सकते हैं। तो तब मैं मिस के साथ ज्वाइन हुई और तब मैंने मिस के साथ साइकिलिंग की और मिस ने मुझे स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन दिलवाए कॉलेज में। अब तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गई हूँ, लेकिन मिस ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं मतलब एक घर से मैं उठी थी और मिस ने मुझे साइकिलिंग सिखाई, सिखाने से लेकिन चैम्पियन बनाने तक का इनका सारा हाथ है। तो जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक की है मेरे ख्याल से, यह मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। एक अहम और ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके क्लब में अगर कोई बहन या बेटी एडमिशन लेना चाहती या आपसे मिलना चाहती, ज्वाइन करना चाहती, तो क्या आपके क्लब की कोई फ़ी है, और अगर फ़ी है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकती है आपकी? अनम, ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल था। इसकी कोई फ़ी ही नहीं है, क्योंकि हम जो है वीमेन एम्पावर पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी मसीह बच्चियां हैं वो एक स्टार की तरह चमकें। तो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे भी आएगा और इसको आप डायल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नेशनल न्यूज़ जो है जिस पे हम आए हैं आप उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है और उनको लगता है कि हम अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं, हमारे में कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं, जिनका शौक है स्पोर्ट्स में और वो खेलती भी रही हैं या किसी वजह से वो डिस्करेज हुई हैं, तो वो हमारे पास आ सकती हैं और हम उनकी भरपूर मदद भी करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने आप को परफॉर्म करें। बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो मैं नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी, अगर कोई बहन घर में बैठी है और वो मतलब समझती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो ज़रूर इनसे कॉन्टेक्ट करें, स्क्रीन पर इनका नंबर शो हो रहा है, तो आप इनसे रब्ता करें, इनसे मिलें और अपने आप को फिट भी करें। और अगर आप समझती हैं कि आप आगे जा सकती हैं तो आप ज़रूर मेहनत करें और इन्हीं की तरह जैसे ये स्पोर्ट्स स्टार हैं आप भी बन सकती हैं, लेकिन आपको इनसे मिलना पड़ेगा। तो ज़रूर आप मिलें और इसी तरह आप आगे बढ़ें और मसीह के नाम को जलाल दें।